ओम शांति एंड वेलकम। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास, आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार, लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी। शांति। हम आत्मा के 7 गुणों की बात कर रहे हैं। उसमें हमने विधि दिखी कि जब 7 गुण कम हो जाते हैं
तो मुझे विधि मिले कि मुझे अंतर मन की यात्रा करनी पड़ेगी। जितनी जितनी हम अंतर मन की यात्रा करेंगे उतने हमारे सोच बदलेंगे, और जैसे जैसे सोच बदलेंगे वैसे वैसे मेरे हेल्थ पर भी उस सात गुणों का असर पड़ता है। तो उसमें सात गुणों में हमने पहले नॉलेज इज अ पावर पे बात किया, फिर दूसरा हमने प्योरिटी पे बात किया, फिर डिवाइन लव पर बात किया और शांति पर बात हो गई। आज हम करेंगे सुख पर चिंतन कि सुख की जो हमारी वैल्यू है अगर वो हमारे पास है तो उससे हमारी सेहत पर उसका क्या असर पड़ता है, हम आज उस पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आनंद सुख की सर्वोच्च अवस्था है। सुख और दुख से पड़े का अनुभव है। आनंद ही आत्मा का सर्वोच्च अवस्था है। आत्मा परमात्मा के संग में जब आनंद का अनुभव करती है, जो हमने आपको विधि बताई थी कि जब तक हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे नहीं और जब तक हम उसको मेडिटेशन नहीं करेंगे तो कोई भी हमारे में उजागर नहीं हो पाएगी। तो इन सब अवस्थाओं को उजागर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जितना जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना उतना आप देखेंगे कि ये एक एक गुण जो है ना वो हम में प्रकट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनंद और सुख की। मन और बुद्धि का समर्पण चाहिए इसमें। देखो जब हम योग करते हैं और योग में अगर हमारा मन और बुद्धि नहीं लगा हुआ है तब तक भी हम उसको बराबर कुछ भी नहीं कर सकते। मेडिटेशन के लिए भी मुझे मन और बुद्धि को समर्पण करना पड़ेगा। अगर हम उसको भी समर्पण नहीं कर रहे हैं तो भी मेरा मेडिटेशन और मन और बुद्धि भी कब उसमें जुड़ेगा। आप देखो मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन मन और बुद्धि नहीं जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से हमने सर्व संबंधों का अनुभव नहीं किया है। अगर आपने परमात्मा से कोई भी संबंध नहीं जोड़ा है तभी हमारे मन में उसकी जो मेडिटेशन से ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि सर्व संबंध भी परमात्मा से जोड़ने होते हैं। और मेडिटेशन से आत्मा में ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है। आप रोज थोड़ा थोड़ा करते होंगे और उसका अनुभव भी करते होंगे कि आपको कितनी आनंद की प्राप्ति होती है। ये मेडिटेशन करने के बाद मेरा मन सदैव आनंद में ही रहता है। और परमात्मा के ये मधुर गीत है ना वो भी गुनगुनाते रहते हैं। हम ये मेडिटेशन के गीत और कमेंट्री क्यों सुना रहे हैं, इससे भी मन क्या हो जाता है। आप देखो जैसे ही हम ये शुरू करते हैं लेकिन अगर हमने गीत नहीं सुना और सीधा आप लेक्चर सुनोगे तो अगर आपका मन इधर उधर दूसरी बातों में था तो वो डाइवर्ट सीधा नहीं होगा। तो जो हम सुनाएंगे वो आपके मन और बुद्धि को टच नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अपने मन को, ये गीत हम इसलिए ही चलाते हैं कि मन को थोड़ा हम शांत करें और डाइवर्ट करें, तभी ही दूसरी बातों से जब मन डाइवर्ट होता है परमात्मा में लगता है तो ये मधुर गीत भी मुझे उस तरफ ले जाते हैं जो मैं अच्छी तरह ये सब समझ सकती हूँ और मेरे मन और बुद्धि में भी वो टिकता है। कहा जाता है दिल में सुख दुख न जाने कितनी फाइल रखी है इसमें। लोग तो कहते हैं कि हृदय में, कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती। आप सबने रखी है ना, जब सुख होता है तो खुश होते हैं, दुख होता है तो नाराज होते हैं, या तो कितनी सारी हमने उसमें फाइलें रखी हुई है।
हृदय में भी अब देखो, आप बातें जितनी रखोगे उतनी आपको वो ज्यादा दुखी करेगी। तो हम सुख खोजते हैं और दुख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और जब दुख को स्वीकार करने लगते हैं तो सुख की वर्षा होने लगती है। सो सिंपल इसका है, आपने समझा कि हमें दुख हो या सुख हो दोनों में समान रहना है, चाहे दुख आ रहे हैं चाहे सुख आ रहे हैं। स्वीकार करोगे तो आपका मन सुख और शांति से भरपूर हो जाएगा। ये जीवन की मैथ्स है, ये मैथ यही हमें सिखाती है। गणित जो होती है ना, वो हमें यही सिखाती है कि जब भी दुख को स्वीकार करोगे तो सुख की वर्षा हो जाएगी। तो हम हर हाल में अगर एक जैसा ही अपना मन रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी नीचाई ऊंचाई नहीं होगी। खोजो सुख, पाओगे दुख, स्वीकार कर लो और तुम अचानक पाओगे सुख उत्पन्न होता जाएगा। ये आप अनुभव करके देखिए। वैसे भी हमने कहा है, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो मुझे सुख चाहिए तो सिर्फ मुझे सुख का ही चिंतन करना है और सुख में ही मुझे वो वैसी ही बातें सोचनी है, बोलनी है, करनी है और ऐसे ही बुक्स भी पढ़ने हैं। दुख को स्वीकार में ही सुख की समानता पैदा होती है। क्षमता अगर आप में नहीं है लेकिन आप सोचोगे तो भी आप में क्षमता आ जाएगी। तो क्यों ना हमको जो चाहिए हम उसके ही विचार करें। तो कहा जाता है, आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, अगर सुख पर ध्यान देते तो हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। आप देखो, वैसे भी मैंने भी आपको पहले भी समझाया था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और हम आपको कहते हैं यहाँ बैठे बैठे आप अपना फ्रिज खोलिए और उसमें से एक नींबू लीजिए और आप उसको जस्ट ऐसे ही आप उसका स्वाद बनिए, बस इतना ही कहने से वो नींबू का स्वाद आपके मुख में आ जाता है। तो ये दुख और सुख भी ऐसे ही है। अगर मैं सुख सुख याद करती रहूंगी तो सुख ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में आता ही जाएगा। तो इसलिए कहते हैं, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। हमारे पास सिर्फ एक ही चाबी है और उसको ही हम यूज करेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख आएगा। दुखी सभी है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। दूसरे सुखी हैं वो भी हम नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? आप देखो, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास तीन प्रकार के दुख होते हैं। एक तो अपना होता है, किसी को शरीर का होता है, किसी को मन का होता है। दूसरा अपनों का होता है, अगर कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई बीमार है तो उसका दुख भी मुझे दुखी करता है। लेकिन किसी सुखी को देखकर भी दुख होना, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो कभी भी आपको ऐसा दर्द ना हो, दो बातों की गिनती करना छोड़ दीजिए। कौन सी? खुद का दुख और दूसरों का सुख। तो जिंदगी में आनंद ही आनंद आ जाएगा और सुख ही सुख आपको मिलेगा। अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी का सुख नहीं लिख सकते, वैसे तो हमको सबको सुख देना भी है, अगर इतना भी नहीं कर सकते, कोशिश करो कि एक अच्छा रबर बनकर दूसरों का दुख तो मिटा सके। आप देखो, मैंने जितने भी अपने ये गुण हैं, इन गुणों ने हमें यही सिखाया है, आपको जो चाहिए वो बांटते चलो। जितना आप बांटेंगे वो कहीं गुणा बनकर आपके पास आएगा। तो क्यों ना हम कोशिश करें वो दूसरों के भी दुख को मिटा सके। सुख में
सौ मिले दुख में मिले ना एक, साथ दुख में जो खड़ा साथी वो ही तो नेक। अगर हम चाहते हैं कि खाली दूसरे नेक बने तो ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, पहले मुझे नेक बनना पड़ेगा, तभी दूसरे मुझे फॉलो करेंगे। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, ये सही बात है, आप बांट के देखिए, लेकिन किसको बांटना है ये मुझे जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इंसान अपना दुख अपनों के साथ इसलिए नहीं बांटते ताकि वो दुखी ना हो जाए, तो ऐसे लोगों को अपना दुख नहीं बताना है, लेकिन जो मुझसे समर्थ है, जिसमें मेरा विश्वास है कि वो मेरा दुख हरकर मुझे सुख बड़ी चैन बड़ी कोई सलाह देंगे, तो उससे ही बांटना चाहिए। और दूसरों को इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें वो उसमें लायक ही नहीं समझते हैं कि मैं इससे बांट सकूं, तो मुझे इसकी भी चॉइस करनी है, कहां कहां मुझे अपना ये बातें बतानी है। ये कल भी मैंने आपको बताया था, कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, बस थोड़ा सा दुख आता है उसको हम सोच सोच कर इतना बड़ा कर जाते हैं और समझते हैं कि अब जीवन में तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, बस फिर एक ही जगह बैठे रहेंगे और उस दुख की ही चिंतन करते करते डिप्रेशन में चले जाते हैं, अटक जाते हैं, फिर आगे उठकर बढ़ते नहीं है, और सुख आता है तो भटक जाते हैं, दोनों नुकसान करते हैं हमारे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इसलिए मुझे दोनों में समान रहना है, समान नहीं रहेंगे तो दोनों तरफ मुझे उसका नुकसान ही मिलेगा। और अभी तो हम कर रहे हैं ये जो सात गुणों की जो चर्चा कर रहे हैं, ये लेसन जो है कि इनका हमारी सेहत से क्या संबंध है, आज हम आपको बताते हैं। अगर हम सुखी रहते हैं, सुख की बातें सोचते हैं, तो उसका मेरे सेहत के साथ क्या संबंध है। कहा गया है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इसका संबंध है सुख का। खाते समय अगर दुख का कोई समाचार मिल जाए, 36 प्रकार के भोजन मेरे सामने पड़े हैं, हम किसी पार्टी में बैठे हैं और ऑल ऑफ सडन मुझे कोई दुख का ऐसा समाचार मिले, खुशबू भी बहुत आ रही है, आनंद भी आ रहा है, क्या आप खा पाएंगे? नहीं, खाने की इच्छा ही नहीं होती है उस समय, बस उसमें ही मेरा विचार चला जाता है। और अगर खा भी लिया खाना और उसके बाद अगर थोड़ा भी मुझे न्यूज मिली तो मेरा इनडाइजेशन होता है, एसिडिटी आती है, फिर सारी बीमारियां शुरू होती है धीरे धीरे धीरे। तो कभी भी दुखी नहीं होना है, किसी भी बात आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, वो मेरे सोच से कम है, छोटी है, मैं उन प्रॉब्लमों से बाहर आ सकती हूँ। तो मुझे दुख की फीलिंग से आप देखो कि आपके डाइजेशन पावर पर भी कितना सारा उसका असर पड़ता है। आप वैसे भी देखो, भोजन करते समय अगर बच्चा भी घर में कोई आवाज करता है या कलह क्लेश की बात बताते हैं या कोई भी मुझे ऐसा समाचार भी सुनाता है, तो हम कहते हैं पहले मुझे सुख से खाने तो दो, आप बाद में भी तो समाचार मुझे दे सकते हो, क्योंकि ऐसी बातों का वातावरण का भी मेरे खाने से भी उस मेरे सेहत पर असर पड़ता है। तो क्यों ना हम सदैव सुख में ही रहे, सुख की ही अनुभूति करते रहे। अगर खा भी लिया तो इनडाइजेशन होता है, एसिडिटी, और फिर ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। हर किसी को लगता है, ये बड़ी भूल है हमारी, आप ध्यान से ये सुनना, हर किसी को लगता है कि सामने वाले इंसान की जिंदगी मुझसे ज्यादा खुशियों से बड़ी हुई है। हमेशा हर कोई दूसरे को ही देखता है, अपनी खुशियां हमेशा कम लगती है, ऐसा क्यों हो जाता है?
लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सबके जीवन में दुख सुख होता है, लेकिन कोई दुख में भी सुखी दिखता है, क्योंकि वो उस बातों में आता नहीं है। दुखी दुख की कोई भी अगर समाचार मिलता है या दुख की कोई भी बात मेरे सामने आती है, तो हम जल्दी से उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। फिर भी हमारी खुशी हमारे हाथ में है, हम कायम रख सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हरे को दूसरा ही ज्यादा सुखी दिख रहा है। अब हमारा दूसरी शक्ति है आनंद की ओर। अभी आनंद और सुख में बहुत अंतर है। मौन और मुस्कान तो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्या हल की जा सकती है और मौन रखकर कई समस्याओं का दूर रखा जाता है। अभी हम उस पे विचार नहीं करेंगे, मौन रहेंगे। तो आप देखोगे आपके पास अगर कोई दुख भी आया है और अगर हम मौन रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, तो हमारे पास नई नई वैरायटी के विचार आएंगे और उसको कैसे मैं हल कर सकूं, वो शांति से समझने से, समझदारी से हमारी बुद्धि काम करेगी, तो हम तो हर समस्या को दूर रख सकते हैं। तो मौन और मुस्कुराना, मन को शक्तिशाली बनाने का सहज उपाय। मन कमजोर हो जाता है तभी तो ये सारी परेशानी आती है। अब मन को शक्तिशाली बनाने का सहज उपाय वो हर तरफ आनंद का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। माहौल कैसा भी हो, ये हर एक के सोच पर आधारित है। कई बार आप देखोगे कि हम ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए होते हैं कोई परेशानी में, और कोई आता है, कोई ऐसी बात कह के जाता है, और फिर हम आनंद में आ जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। और कभी कोई ऐसा भी होता है कि आनंद का माहौल होता है और हम बैठे हुए होते हैं और कोई ऐसा आता है, कुछ कह के जाता है, हमारा आनंद सब। ये भी हमारे ऊपर आधारित है। ये अपने भीतर, फिर वो खुशी कहाँ गुम हो जाती है तो मेरे अंदर आनंद। देखो आनंद और खुशी में बहुत फर्क है। जागो भारत माँ के संतानों, तुमको इतिहास बनाना है। मिलेगा अतुल आनंद तुम्हें, बस सोया हुआ विवेक जगाना है। अपना आपने विवेक जगा दिया तो फिर तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद अंदर है, बाहर नहीं है। हम उसको बाहर ढूंढते हैं, इसलिए फिर हम वैसे के वैसे रहते हैं। इसलिए कहा गया है, किसी भी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो सर भर में परम आनंद लाती है। अपने में विश्वास रखो, हिम्मत रखो, क्योंकि कोई भी कार्य, दुख हो सुख हो, कार्य तो करने ही है, लेकिन अगर मुझ में हिम्मत होगी तो मेरा शरीर तो ठीक रहेगा, मुझ में कोई बीमारी तो नहीं आएगी, लेकिन वो हिम्मत और उमंग उत्साह से हम हर कार्य की सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो हमें हिम्मत रखनी है। मैंने आपको बताया सुख और दुख, खुशी और आनंद, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। खुशी, आज मैं खुश हूं, क्यों? क्योंकि मेरा बर्थडे है, सब आए हुए हैं, मैं बहुत खुश हूं, सही बात है। लेकिन अगर उसी समय मेरे गले का हीरों का हार उस समय गुम हो जाए तो वो खुशी कायम रहेगी? रहेगी आपकी खुशी कायम या गुम हो जाएगी?
क्या हुआ, मेरी खुशी डिपेंड थी मेरे हीरो के हार पर क्या? तो हम खुशी हमेशा बाहर की चीजों पर ही टिकती है हमारे, लेकिन असली खुशी तो हमारी अंतर आत्मा की है। आप अपने अंतर आत्मा में जाकर देखिए, आपको सब कुछ दिखेगा खुशी कहाँ है। ये बाहर की तो टेम्पररी है, चीजें आएगी और जाएगी, तो मेरी खुशी भी क्या आएगी और जाएगी? नहीं, मैं मुझे तो अंदर से ही खुश रहना है, न कि बाहर से। जो लोग आनंद में होने का महत्व जानते हैं, सदैव आनंद, आनंद का आप देखोगे कि दूसरा आपको अपोजिट वर्ड नहीं मिलेगा। ये सर्वोच्च ऊंची अवस्था है, उसको मुझे सदैव बनाए रखना है, क्योंकि इसका मेरी सेहत से बहुत बड़ा गहरा उसका असर पड़ता है अगर मैं आनंद में नहीं रहती हूँ। वो हर तरफ आनंद का माहौल बनाने की कोशिश करेगा। ये अपने भीतर गहराई में ढूंढने की प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदेगा। मुझे आनंद चाहिए, तो उस आनंद पाने के लिए मैं कोई भी कोशिश करूंगी। अब मुझे प्यास लगी है, तो बरसात के पानी से मुंह खोलकर मैं अपनी प्यास बुझा सकती हूँ। लेकिन कब तक क्या प्यास आपकी बुझ सकती है? थोड़ी सी बुझ सकती है जब बारिश है, लेकिन बारिश तो हमेशा नहीं रहती है ना, वो तो 12 महीने नहीं होती है। इसलिए मुझे खुद का कुआं खोदना है, ताकि साल भर वो मेरी प्यास बुझाता रहे। इसी तरह ये आनंद भी ऐसा ही है। आनंद को मुझे बाहर नहीं खोजना है, ये मेरा अपनी असली कीमती वस्तु है, जो अंतर मन से ही मिलती है। सदैव खुश रहने से ही आपको आनंद की अनुभूति मिलेगी। जो 7 गुणों की हमने चर्चा की है, एक एक गुण अगर मुझ में उर्जित होंगे, तो ये जो है आनंद आपको सही प्रकार से मिलेगा। इसलिए कहा गया है, आनंद का संबंध हमारे हार्मोन सिस्टम से है। देखो, हार्मोन सिस्टम अगर बिगड़ जाते हैं ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, न खाना, न पीना, न उठना, कुछ न कुछ कमजोरी महसूस होती है। तो क्यों ना हम आनंद में रहकर अपने हार्मोन सिस्टम को भी संतुलित बनाए, नहीं तो वो असंतुलित हो जाती है। खुशी आनंद का वातावरण होते हैं, तो फिर ये हमेशा ठीक रहता है मेरा सिस्टम। तो क्यों ना हम सदैव खुशी और आनंद में तो रहे, लेकिन आसपास का जो वातावरण है उसको भी हम ऐसा ही बनाए रखें, क्योंकि वातावरण का भी असर मेरे सेहत पर पड़ता है। 7वीं आखिरी शक्ति हमारी है, शक्तिशाली आत्मा, जिसमें ये 6 गुण आ जाएंगे, वो तो शक्ति अपने आप में क्या होगा, आपको महसूस होगी। शक्ति भी कोई बाहर से नहीं आती है, इसमें दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा ही है, ज्ञान, नॉलेज। अगर मुझमें नॉलेज नहीं है, तो मुझमें शक्ति नहीं आती है। और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। आजकल चारों तरफ देखो, धर्म पे लड़ाइयां हो रही है। धर्म हमें क्या सिखाता, कोई भी धर्म ले लीजिए, मैं कहती हूँ, एक धर्म की स्पेशल में बात नहीं करती हूँ, हर धर्म आप देखिए आपको क्या सिखाता है, कैसे जिया जाए, जीने की कला ही सिखाता है। कभी भी किसी धर्म ने किसी को सिखाया है कि लड़ाई करो, मारपीट करो, एक दूसरे से नफरत करो? नहीं, आप कोई भी धर्म ग्रंथ ले लीजिए, सब में यही सिखाया गया है, आपसी प्यार मोहब्बत से रहा करो। कहते हैं सभी कमजोरियां, सभी बंधन मात्र कल्पना है, आप बस उसको छोड़ ही दीजिए, कोई कमजोरी नहीं है,
हर इंसान में, आप देखो एक न्यू बॉर्न बेबी भी है, हम क्या उनकी आंतरिक में कुछ कर सकते हैं? वो शक्तियां हरेक के मनुष्य के अंदर ही है, सिर्फ हम उसको कैसे उजागर करें। ये कमजोरियां तब आई है जब हम उन शक्तियों का मिसयूज करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तब मुझ में कमजोरियां आती हैं। कमजोर ना बने, मजबूती के साथ खड़े हो जाए, शक्तिशाली बने। आपने देखा होगा सिर्फ ये शब्द बोलने से क्या हम शक्तिशाली बन जाएंगे। मैं जानता हूं सभी धर्म यही कभी कमजोर न पर, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, यही तो हर धर्म की शिक्षा है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि जो भी चीजें बनती है हम अपने मन से, आप देखो किसी भी चीज बनाई गई है इंसान को अपनी शक्ति से उन्होंने बनाई है, तो प्रॉब्लम भी हमारे अपने मन के क्रिएट किए हुए होते हैं। एक्चुअली उन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको समस्या बड़ी लग रही है। पर अगर मन को शांत करेंगे और शांत मन से उस पर आप विचार करके देखिए, क्योंकि मन में इतनी शक्तियां अपार है कि वो आपको हर चीज का, हर समस्या का सॉल्यूशन दे देगा। इस दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है? धैर्य और समय। आप देखोगे कोई भी समय सेम नहीं होता है, हर पल बदलता रहता है। मौसम देखो, आप देखो हफ्ता देखो, सोमवार के बाद मंगलवार, जनवरी के बाद फरवरी, हर चीज परिवर्तनशील है। तो हमारे पास भी अगर दुख सुख ऐसे आते जाते हैं तो हम उसमें थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा समय दें, समय पर हर चीज ठीक हो जाएगी। आप घबराए नहीं और अपने में जीवन में सारी बीमारियों को इनवाइट मत कीजिए, क्योंकि अगर कमजोर पड़ते हैं तो हमारे में सारी बीमारियां आ जाती हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, हर एक इंसान की सेम नहीं होती है स्थिति, ये बदलती रहती है। कभी किसी का अपमान न करना और किसी को तुच्छ मत समझे, क्योंकि हमारी आधी प्रॉब्लम तो हमारी, मैंने कल भी कहा था कि मौन, आज भी कहा मौन रहिए जितना हो सके, आप दूसरों के साथ प्रेम पड़े शब्द बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, तो कभी भी किसी के साथ मेरा मन मुटाव नहीं होगा। हम किसी का अपमान करने का क्या मुझे हक है? किसी का भी नहीं। हमारे आधे प्रॉब्लम तो वहां ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आप अच्छी तरह सबके साथ व्यवहार करेंगे। आप शक्तिशाली हो सकते हो, अभी तो मैं शक्तिशाली हूं। कैसे? जैसे हम छोटे, हमसे जो छोटे होते हैं या हमारे नीचे काम करने वाले हैं, तो उनसे तो हम शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि पद पोजीशन हमारी ऐसी है। लेकिन कहा गया है समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। वो व्यक्ति कब वो शक्तिशाली बन जाए आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका समय बदलता है। इसलिए कहावत है कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं। अगर किसी ने कोई गलती भी की, हर एक इंसान है, अब सब तो ज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई तो परमात्मा का ज्ञान नहीं ले रहे हैं, राजयोग नहीं कर रहे हैं, कोई कमजोर भी हो, लेकिन मुझे उसे माफ करके और फिर मैं उनको ये ज्ञान का थोड़ा नॉलेज देकर उसको मन से मजबूत हम कर सकते हैं किसी को। और बुद्धिमानी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, कह रहे हैं, और वो अगर नहीं समझ रहा है, नहीं बदल रहा है, तो बुद्धिमान बनकर नजरअंदाज कर दीजिए।
माफ करना सबसे उत्तम कार्य है। ये हर एक नहीं कर सकता है, ये ऊंची स्थिति है, जिसके पास होगा वो ही कर सकता है। इसलिए मुझे अधिक धनवान बनना है न कि कमजोर, क्योंकि कहा गया है इस शक्ति का भी संबंध हमारी हेल्थ से है। अगर हम शक्तिशाली हैं तो आप देखोगे हमारे मसल्स के साथ है। इसलिए तो मसल बनाने के लिए रोज लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इधर उधर जाते हैं, कहीं तो प्राणायाम करते हैं, कोई क्लब में जाते हैं, कोई आजकल तो बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं जिसमें आप, लेकिन उससे सिर्फ आपकी बाहरी शरीर मजबूत होता है, लेकिन शारीरिक तरह तो शक्तिशाली होते भी, लेकिन अगर आपका कोई मनोबल तोड़ दे तो। इसमें एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक जगह कुछ चर्चा गोष्ठी चल रही थी, सब बैठे हुए थे और चर्चा का टॉपिक हुआ कि शक्तिशाली कौन। तो सब अपनी अपनी बारी से एक एक अपना अपना बता रहा था कि मुझे ये बीमारी है, मेरे इसलिए कमजोरी है, मेरे में शक्ति नहीं है। एक व्यक्ति उसमें से उठा और उसने कहा, मैं तो बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे पास तो कोई भी बीमारी का नाम निशान नहीं है। तो उसको देखो, एक दूसरे को तो हर कोई जानता ही है अच्छी तरह। अब किसी ने उठकर सिर्फ उसके लिए उसका मजाक उड़ाया और कुछ नहीं किया। जैसे ही उसने उसका मजाक उड़ाया, बस इसको तो इतना गुस्सा आया कि वहां चिल्लाने शुरू कर दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, अभी तो आपने कहा था कि मैं शक्तिशाली हूं, इतनी छोटी सी मजाक में आपको क्या हो गया। तो कहा जाता है सिर्फ शारीरिक तरह से हम शक्तिशाली होते भी, अगर कोई मनोबल तोड़ देता है, माफ करना सबसे उत्तम कार्य है। इसलिए खुद को बदलो, हमें खुद को बदलना है। छोटी छोटी परिस्थिति में भी हमें सामना करना आना चाहिए। शक्तिशाली सिर्फ शारीरिक को नहीं, अपने मन को भी हमें शक्तिशाली बनना है। अगर किसी ने कुछ भी कहा या कोई ऐसी परिस्थिति का मुझे सामना करना पड़ा तो इमीडिएटली मैं रिएक्शन नहीं दूं, क्योंकि रिएक्शन देने से भी मेरी सेहत पर उसका असर पड़ता है, उसका मुझे बड़ा ध्यान रखना होता है। समय पर कोई, देखो किसी ने उसको ऐसा बोला, लेकिन कोई अगर किसी व्यक्ति में, हमारे घर में एक ऐसा बच्चा है, उसको अपना मन का मनोबल नहीं है, वो कुछ कार्य नहीं करता है। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ उसको कैसे हिम्मत देती है, बेटा उठ, कुछ नहीं है, चल चल ठीक हो जाएगा। अब ऐसे साहिक शब्द जब हम बोलते हैं तो हम दूसरों में भी वो जान फूंक सकते हैं। तो हर समय मुझे शब्द ऐसे ही बोलना चाहिए, तब उनका सबका मनोबल जगाना है, मुझे गिराना नहीं है। अगर कोई ऐसे शक्तिशाली है तो हम उनका मजाक न करें, हम उनको कुछ भी ऐसा न शब्द बोले कि वो जो कार्य कर रहा है वो भी छोड़ दे। तो मुझे हमेशा सबका मनोबल जगाए रखना है, यही हमारा कर्तव्य है। और वो व्यक्ति असंभव को भी संभव करने की ताकत हर एक में है, हर एक इंसान में है, आप में भी है। अगर कोई असंभव काम मैं आपको दूं, वो आप करके दिखाएंगे। इसमें हनुमान का भी उदाहरण आता है। हनुमान को पावन पुत्र कहा गया है, पर जब उसको सीतु नदी के वहां दरिया में रावण लंका के पास जाना था,
तो वो कहता है मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है, चुप करके बैठ गया। तब उन्होंने उसके कान में कहा, अरे तू तो पवन पुत्र है, पवन पुत्र है। बस इतना ही बोलते उसने वो उमंग उत्साह आ गया और उसने क्या कमाल करके दिखाया। तो यहाँ 7 गुणों की कमी होती है तो सारी बीमारियां आ जाती है। आपको बीमार रहना है तो कमजोर रही है, और नहीं तो इस 7 गुणों को अपने में उजागर कीजिए तो हम हर बीमारी से दूर हो सकते हैं। आत्मा की अब तो बैटरी है ना पूरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए थोड़ा भी किसी ने कहा चू चा भी किया तो मेरा मूड बिगड़ जाता है, क्योंकि आत्मा में वो बैटरी फुल नहीं है। तो ये योग से इन 7 गुणों में ऊर्जवान हम कर सकते हैं, उनको उजागर कर सकते हैं। जीवन दीर्घ, आयुष्य, काया कंचन, ये सब किससे बढ़ते हैं? और निरोगी काया चाहिए, ये सब होते हैं सिर्फ योग से, मेडिटेशन से, जो हम आपको रोज थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं। आप जितना जितना राजयोग करेंगे, राजयोग मुझे जीवन जीने की कला सिखाता है और कैसे ऊर्जा उत्पन्न करें अपने में, तो क्यों ना हम इस मेडिटेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। टाइम मिलता नहीं है कभी भी, मुझे निकालना पड़ता है। बीमारी में भी क्या करते हैं आप देखो, जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, फिर दवाई लेने के लिए। तो क्यों ना मैं ये मेडिटेशन करके अगर कोई बीमारी भी है तो वो भी दूर हो जाएगी। चलो आज हम रोज की तरह फिर अपने मन को शांत करते हैं और अपने में सातों ही शक्तियों और गुणों को उजागर करते हैं। चलिए अपने शरीर की सारी हलचल को समाप्त कीजिए। आसपास हो रहे आवाजों से भी मन और बुद्धि को दूर ले चलते हैं। कल मैंने आपको बताया मेरे मन का मेरे शरीर से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए अगर मेरा शरीर की हलचल भी तो मेरे मन की एकाग्रता भी हलचल में आ जाती है। आप जिस भी अवस्था में कंफर्टेबल हो, उस एक ही अवस्था में शरीर को टिकाना है। आंखें आप बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं और थोड़ी खुली रखना चाहे तो वो खुली भी रख सकते हैं। चलते हैं अपने मन और बुद्धि को अपनी अंतर आत्मा की यात्रा पर। मेरे सारे खजाने, मेरे सारे गुण, मेरी सारी शक्तियां अंतर आत्मा में ही पड़ी हुई, धीरे धीरे अपने मन को शांत अवस्था में ले चलते हैं।
इस बुद्धि रूपी नेत्र से हम अपनी अंतर आत्मा का हाल देखते हैं। हम चाहते कुछ हैं और वो और कुछ हो जाता है। ऐसे में मुझे अपने मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस मनोबल बढ़ाना अपने आप को विचार दीजिए। आत्मा ज्ञान स्वरूप मैं आत्मा पवित्र स्वरूप मैं आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप शक्तिशाली ये सातों गुण और सातों शक्तियां मेरा अपना स्वधर्म है। मैं इन्हें बाहर कहां ढूंढूं? जागर कीजिए अपने मनोबल को। मैं हर हाल में खुश रह सकती हूँ। कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखूं और इन शक्तियों का अनुभव करती रहूं। मेरा मन इसे ही शांति का अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है, शक्तियों का अनुभव कर रहा है। इसे ही मैं हर कार्य इन गुणों और शक्तियों के साथ करूंगी। चारों तरफ उनकी किरणें औरों तरफ फैलाएंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम। सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो
प्रकृति संपदा। शांति।